हेलो एवरीवन, आज की वीडियो क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने ली, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले कि कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं जो हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाने देती। तो हम आज के बाद वो गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम ये सारी गलतियां कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए और ये गलतियां दोबारा रिपीट ना हो पाए। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी जो है नंबर वन है, जिसे हम कर रहे हैं आज के टाइम में, और ये है आपकी वो सबसे बड़ी गलती। आप बोलोगे सर ये तो एक ब्लैंक है, ये तो काला काला सा नजर आ रहा है, और ये है आपकी सबसे बड़ी गलती आज के टाइम में। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो ब्लैक है, ये बेटा ब्लैंक जो नजर आ रहा है ना ये बॉक्स, ये समझ लो आपका भविष्य है जो अंधकार में है। क्यों? क्योंकि आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखेंगे जो आपका जिंदगी खराब कर रही है आजकल के जनरेशन की, वो है ये कच्चा बादाम कर रही है। मुझे इसको देख के समझ में नहीं आता ये करती क्या, लेकिन ज्यादातर बच्चे आज के टाइम में सिर्फ अपना मैक्सिमम टाइम रील्स पे देते हैं। अब तो बेचारे ये भी बोलने लग गए हैं बिल्कुल बकवास है ये, बंद कर दो इसे भाई। आप कब बंद कर? सिर्फ 3 महीने बचे हैं एग्जाम्स के लिए और हम अपना मोस्टली टाइम रील्स देखने पे लगा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया से। देखिए मोबाइल हमारे हाथ में है, टेक्नोलॉजी, उसका हम अच्छा यूज भी कर सकते हैं और बेकार यूज भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसका कैसे यूज करना है। तो ज्यादातर बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो ऐसी चीजों में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि भैया पढ़ने का तो टाइम ही नहीं बचा, जहाँ हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे टाइम होगा कहाँ से, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम तो यही कर रहे हो, कभी दीदी को देख लेते हो, कभी निब्बा निब्बी को देख लेते हो, भाई साहब वो तो अपना पैसा कमा के निकल जाते हैं लोग, लेकिन आप लोगों के हाथ में क्या आता है, कुछ नहीं। और इसे अब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट के बारे में बात करूं, बहुत बड़ी गलती होती है लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे की भी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो अपना पूरा फोकस लगाते हैं सिलेबस को 100% कंप्लीट करने। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, करना भी चाहिए 100%। एक चैप्टर किया, दूसरा चैप्टर, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा कर लिया, तीसरा हुआ फोर्थ कर लिया, फोर्थ का फिफ्थ कर लिया, सिक्स कर लिया, सेवन कर लिया, 15 चैप्टर तक पहुंचते हैं, 10 चैप्टर पहुंचते हैं, तो शुरू के 2-3 चैप्टर जीरो हो चुके। क्यों? क्योंकि जब 10 चैप्टर पढ़ लिए, पहला चैप्टर तो भाई साहब 3 महीने पहले पढ़ा था, 4 महीने पहले पढ़ा था, दोबारा कभी खोल के नहीं देखा, खोला भी तो बहुत सीरियस नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से देख लिया। तो रिवीजन आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास 10th एंड क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे दे चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आपको लिंक टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको चैप्टर्स के DPP मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। तो और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आने वाले टाइम में उसको डिस्कस भी कर लेंगे। रिविजन के अंदर आती है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हो, एक होता है कि आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहते हो नए चैप्टर पढ़ते हो, आ जाते हो। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ स्टडी कहाँ काम आती है, रिवीजन के टाइम में आती है। बहुत ज्यादा टाइम मत लो, 25 मिनट का एक टारगेट रख लो, 20 मिनट का टारगेट रख लो, 20-20 मिनट के दो स्लोट है, जब 25 मिनट के दो स्लोट रख लिए कि आज मैं SST पढ़ूंगा 25 मिनट, फिर हम 25 मिनट मैथ्स पढ़ने, ठीक है? तो ऐसे कम कम टाइम का स्लोट बनाओ ताकि आदत बने बैठने। अब बच्चा सोचता है कि मैं 2 घंटे बैठ के आज पढ़ने वाला हूं, आज मैं 3 आवर्स की स्टडी करूंगा, लेकिन 3 घंटे 2 घंटे बैठ नहीं पाता। छोटे छोटे स्लोट बनाओ, 25 मिनट का 20 मिनट का स्लोट बनाओ कि 20 मिनट आराम से बैठ जाते हो, उसको 20 मिनट की जब आदत पड़ जाएगी ना, 2-3 दिन बैठोगे तो फिर क्या होगा, आप उसको 30 मिनट कर सकते। आदत को डेवलप करो, ठीक है, टाइम अपने आप बढ़ता है। और उस स्लोट में आपको सिर्फ करनी है रिवीजन कि आज मैंने मैथ्स के ये चैप्टर करना है, 25 मिनट करना है, आज मुझे SST का ये चैप्टर करना है, आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, तो आदत बनेगी। तो रिवीजन आपकी डेली अगर आप करोगे तो जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा और आगे वाले चैप्टर तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट
है हमारे पास जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आपको इस सेशन देते हैं कि भैया एनसीईआरटी कर लो, क्लास 10th में तो सारी एनसीईआरटी आती है, क्लास 12th में तो एनसीईआरटी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उनसे ये बात पूछो सबसे पहले, जब अपने आप से पूछो कि बहुत अच्छे नंबर का डेफिनेशन क्या होती है, कि बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे तो। भैया बहुत अच्छे 65 चाहिए, 75 चाहिए, 70 चाहिए, कि 95% आपके लिए बहुत अच्छा, कि 100% है बहुत अच्छा। अगर आपको 60, 70, 75 तक चाहिए तो हो सकता है एनसीईआरटी करने से ये मार्क्स आपको मिल जाए, और सेम टू सेम एनसीईआरटी में से भी पेपर मिल जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है, सच्ची में आप बहुत अच्छा स्कोर चाहते हो, तो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी है आपको, साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल। सबसे पहले आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब आपका सिलेबस हो जाए, पहले आपने सिलेबस जहां भी पढ़ा है पहले वो सिलेबस खत्म, उसकी रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा यही है कि जब आपने रिवाइज कर लिया, देन आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रख, आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मिक्स नहीं करने हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई बोलेगा सर उससे करूं, वो बुक लूं, वो बुक लूं, अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो आपको इसी मन से आपको सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक चैप्टर के खत्म करोगे तो दूसरे चैप्टर के मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा टेलीग्राम, वो भी विद डिटेल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन के साथ आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जैन के लास्ट में 15 जनवरी के आसपास आप सैंपल पेपर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उससे पहले हो जाते हैं आपको पीवीसी क्वेश्चन तो तब भी आप सैंपल पेपर को स्टार्ट कर सकते, कम से कम 10 सैंपल पेपर, ठीक है? तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इससे हमें पता लगेगा किस पैटर्न का पेपर आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, जो हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो है एक ऐसा डिस्कशन जिसका हमारी पढ़ाई से, हमारी जिंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब इतना लंबा लंबा डिस्कशन करते हैं हम, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जेसीबी की खुदाई, लास्ट ईयर सुना होगा आपने, जेसीबी की खुदाई कितना वायरल हुआ इंडिया के अंदर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आए, जेसीबी खुदाई करते हुए 4 मिलियन व्यू, 4 मिलियन व्यू जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं यहाँ पे हमारे, मतलब हमारी जनरेशन को कुछ नहीं मिला, 4 मिलियन व्यू, 10 लाख के आसपास व्यू, जेसीबी वर्किंग फॉर न्यू ब्रिज 5.4 मिलियन व्यूज। भाई साहब तुमने भी वहां जाके काम करना है क्या, मिट्टी उठानी है, करना क्या है भाई साहब, इसकी खुदाई को देख के आपको करना क्या है? यहाँ पे देख लो 23 मिलियन व्यू। अब सोच सकते हो मजाक हो रहा है क्या, मतलब हमारी जनरेशन इतनी खाली बैठी है कि 23 मिलियन व्यू दे सकती है ऐसे टॉपिक के ऊपर, खाली कोई काम नहीं है, बस जिसको देखो जेसीबी की खुदाई, जिसको देखो जेसीबी की खुदाई, जिसको देखो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, वाह कच्चा बादाम। अरे भाई कुछ तो सोच लो, करना क्या है, इससे कुछ नहीं मिलता हमें, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम इज मनी, टाइम पैसा है। आप बोलोगे पैसा सर हमारी जेब से थोड़ा जाता है, पैसा पैसा एक बार ही जाता है ना, वापिस आ सर, लेकिन टाइम चला जाएगा ना, नवंबर चला जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, तो नवंबर दोबारा नहीं आ सकता, तो टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है, इसको बचाइए। तो ऐसे डिस्कशन से बचिए। फिर आता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज किसकी, सर मेरा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। लैक ऑफ नॉलेज होती है लेटेस्ट पेपर पैटर्न, जैसे मैंने अभी बोला ना सैंपल पेपर्स करने बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सैंपल पेपर पब्लिशर बनाता है, टीचर्स बनाते हैं, मैं भी आपको बहुत सारे सैंपल पेपर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें अच्छे क्वेश्चंस डालेंगे, लेकिन आपको पैटर्न के बारे में पता लगता है कि कितने सेक्शन आ रहे हैं, इस सेक्शन में ये क्वेश्चन होंगे, इस सेक्शन में इतने क्वेश्चंस होंगे, मुझे इस सेक्शन से स्टार्ट करना है, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बनता है, पेपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है कि मैंने 10 सैंपल पेपर इतने टाइम में सॉल्व कर लिया, इस सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही है, जहां मुझे केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरीके से आपको ये बात पता चलती है।
और इसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आज के टाइम में। सीबीएसई हमारा है बहुत मस्त काम करता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें डिलीट कर देते हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर डिलीट किया है हमारे पास। अब वो पढ़ने बैठते हैं चैप्टर, वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं जो सिलेबस में नहीं है, उन पे कम करते हैं जो सिलेबस में है। तो डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में अगर सैंपल पेपर्स भी कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप करते हैं तो उसमें भी आपको डिलीटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें अगर पता ही नहीं है कि वो डिलीट है, हम वो क्वेश्चंस भी कर देते हैं। नॉलेज के लिए कोई वेस्ट नहीं जाती नॉलेज, ठीक है आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं कि वो टॉपिक बहुत बड़ा होता है और हमने वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लिए, बाद में पता क्या चला कि ये टॉपिक तो डिलीट था और जो करने वाला था वो आज किया नहीं। तो आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या डिलीट है क्या डिलीट नहीं है, पेपर का पैटर्न क्या, ये सैंपल पेपर से आपको पता लग जाएगा। अभी नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, कि डिलीटेड टॉपिक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वीडियोस बना रखी है, एक एक टॉपिक मैंने वहां पे डिलीटेड बता रखा है, अगर किसी को नहीं पता आज तक वहां जाके देख सकते हैं। तो इन बातों पे आपको अगर गौर करेंगे और अभी से पढ़ाई करेंगे तो अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप, और ज्यादा टाइम आपका बचने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, और उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई में यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।